हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, मुझे पता है। और अभी जो है ना, इवनिंग का समय हो रहा है। ये बहुत पुराना वीडियो है, इसमें मैंने 2 दिन का क्लिप लिया है। तो ये आज शायद संडे 26 का क्लिप है ये। तो लक्ष्मी आज इलाहाबाद चली जाएगी, तो वो अपना पैकिंग कर रही थी और मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके अलमारी में लगा रही थी, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो गए थे ना। तो फिर बहुत ज़्यादा जब कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होता है रखने में, आलस भी आता है। और तुरंत तुरंत रख लेती हूँ ना, तो फिर आलस भी नहीं आता है और कपड़े भी रख लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स, किचन के सिंक में अगर बर्तन हो तो पूरा किचन लगता है कि क्लीन ही नहीं है। उसी तरीके से अगर रूम में कपड़े रखे हो ना सूखे हुए, तो रूम भी क्लीन नहीं लगता है। तो मैंने अभी देखिए पूरे कपड़े अलमारी में फोल्ड करके रख दिया है। इधर लक्ष्मी भी अपना कपड़ा पैक कर रही थी बैग में, और ये मैं कुछ दवाइयाँ जो थी ना इधर उधर फैली हुई थी, तो उसे भी मैं देख रही हूँ कि क्या यूज़ का है, उसे रखूँगी, बाकी फेंक दूँगी। और ऊपर की जो अलमारी है उसमें पेपर रखा हुआ है और बच्चों के कपड़े हैं, तो वो भी बच्चों ने एकदम बिखेर दिए हैं। आप जानते हैं बच्चे कैसे होते हैं, उनसे आप एक सामान मांगेंगे ना तो 4 काम मतलब ख़राब करके ही आते हैं। मैं वो भी क्लीन कर लेती हूँ, फिर चाय पी लूँगी, फिर करूँगी, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो अभी मैंने चाय भी पी ली और अब मैं बेड क्लीन कर देती हूँ। आज सुबह से ही पूरा घर जो है ना अस्त व्यस्त था, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि थोड़ा शरीर को भी आराम दूँगी तो सही है। और अभी इतना जल्दी मैं काम अगर इतना ज़्यादा लोड लूँगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा मुझे। अभी देखिए लक्ष्मी इतना मतलब मुझे आराम दे दी है ना, कि मैं थोड़ी सी स्वस्थ भी हो गई हूँ। पर आगे मैं डाइट करूँगी, पहले अभी शरीर सही रहेगा तो फिर डाइटिंग तो होती रहेगी। इसलिए अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अभी मैं खा पी रही हूँ बस। अभी कोई डाइट मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत जो है ना जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए तो मैंने उस वाले रूम को क्लीन कर दिया पीछे वाले। अब आगे वाले का गद्दा मैं धूप में रखी थी सूखने के लिए ना, वो भी सूख गया था, तो हस्बैंड ला के नीचे रख दिए थे। और मैं अभी इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। अब फिर ये सब सेट कर लूँगी, जो पिल्लो वगैरह है वहाँ पर, और थोड़े से कपड़े थे यहाँ पर भी बिखरे हुए, तो मैं उन्हें भी फोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। और बच्चे भी देखिएगा, अभी इधर रुपेश आ रहा है, ये पैंट जहाँ पहनेगा ना वहीं पर उतार के फेंक देगा। और छवि ऐसा नहीं करती है, सिर्फ ये रुपेश का काम है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, नेक्स्ट डे का क्लिप जो मैं अभी आगे लगाऊंगी, क्योंकि रुपेश का तबीयत जो है वो ख़राब हो गया है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रुपेश का केयर कर रही हूँ। ये देखिए सोया है, इसे बहुत तेज़ फीवर आ गया था और दवा मैं दी हूँ, एंटीबायोटिक दी हूँ, पर अभी फीवर जो है वो उतरा नहीं है। देखती हूँ कि फ़ीवर अगर नहीं उतरेगा तो फिर इसका जाँच कराऊँगी, टाइफाइड मलेरिया डेंगू का। और भगवान करे कि मतलब फ़ीवर उतर जाए, इसका जांच ना हो। और ये देखिए सोया है मेरा बच्चा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं कुछ भी सूट नहीं कर रही हूँ। मुझे अच्छी, ये देखिए, और आंखें इसकी पूरी लाल लाल हो गई हैं, क्योंकि जब फीवर होता है ना तो आंखें ही, मुझे आँखों से ही पता चल जाता है कि बच्चों का तबीयत सही नहीं है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूध जो खोल रहा है ना, ये गाय का दूध है। और ये मैंने जो मलाई से घी निकाली थी ना, वो वाला दूध जो बच जाता है, मैं उसका आज पनीर बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ये आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। बहुत लोग जो हैं वो नहीं बनाते होंगे, बहुत लोग मतलब बहुत लोग को पता होगा तो बना लेते होंगे, और जिनको नहीं पता होगा वो इस दूध को फेंक देते होंगे मंठे को। तो वही मैं अभी देखिए, जब दूध जो है खोल गया था, तो जो दूध घी से निकला था ना मलाई से, तो वो दूध मैंने इसमें डाल दिया है, आधा नींबू डाल दिया है। दूध तो फट ही गया था वैसे, पर मैंने आधा नींबू निचोड़ के डाल दिया कि अच्छी तरीके से दूध जो है वो मतलब ये छेने को छोड़ दे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है छेना जो है बिल्कुल अलग हो गया है और पानी बिल्कुल अलग हो गया। तो इसे मैं ना अभी छान लूँगी, और ये जो है ना मलाई से पनीर बन रहा है। बस मैंने 1 पाव के लगभग घी जो है अलग से दूध लिया था, फ्रेश दूध। और ये मलाई ज़्यादा पुरानी नहीं थी, 1 हफ्ते की थी। अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी हो जाए तो आप मत निकालिए, वो कड़वापन आ जाता है उसमें। और अगर 1 हफ्ते की अंदर की है तो आप निकाल के खा सकते हैं, आप पनीर पराठा बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे वाश कर लेती हूँ 2-3 बार पानी से, ठंडे पानी से।
तो फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत मुश्किल से एक वीडियो तैयार होता है, बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, घर परिवार बच्चे, फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा टाइम जो अपने लिए मिलता है उस टाइम में हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, सबसे पहले मिलेंगे आपको। तो ये देखिए पनीर बनके रेडी है और मैं इसे तोड़ के रख दूंगी क्योंकि मुझे इसका पनीर पराठा बनाना है। आप चाहे तो पनीर की सब्ज़ी बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे जो बना लें। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का था।